नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं राम कुमार सिंह और आपका हमारे चैनल कुमार सिंह पोल्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे फार्म में 27वां दिन है चिक्स का और इस समय लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो मैंने जो कल फीड लगाया था उसको सिर्फ इतना ही लगाया था कि आज 2-3 बजे के लगभग फीडर में फीड ना बचे। लगभग जितना भी फीड फीडर में हो वो 2-3 बजे तक फीड खा ले। तो आज फीडर में अब फीड लगभग ख़त्म होने को है। तो अब इस तरह से मैं जब FCR निकालूंगा तो एकदम करेक्ट FCR निकलेगा। दोस्तों, अभी तक जो भी चिक्स मरे हैं उन चिक्स को मैं आप अपनी बुक में दिखाऊंगा। सुगना कंपनी से मैं कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करता हूं, तो मैं अपनी बुक में दिखाऊंगा कि हमारे फार्म पे कितने चिक्स आए थे और अभी तक कितनी मोर्टेलिटी हुई है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अभी तक मेरे फार्म पे कितना फीड आया है और कितना फीड अभी तक बर्ड ने खाया है और कितना फीड बचा हुआ है। तो इस तरह से मैं आप लोगों के सामने ये दिखाऊंगा कि जो बर्ड हैं इनका एवरेज वेट कितना है। एवरेज वेट निकालने के लिए पहले इनको 5 बर्ड को तोला जाएगा कि इनका एवरेज वेट कितना है। तो एवरेज वेट जब निकल आएगा तो फिर ये भी देखा जाएगा कि अभी तक इन्होंने जो फीड खाया है तो कितना फीड खाया है। फिर मैं आप लोगों को FCR निकालना बताऊंगा कि कैसे FCR निकाला जाता है और 27वें दिन कितना FCR होना चाहिए और मेरे फार्म का कितना FCR है। तो दोस्तों, मैं अब आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि हमारे फार्म में जो बर्ड हैं इनका आज एवरेज वेट कितना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि एवरेज वेट निकालने के लिए देखने के लिए आपको इस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक स्केल लेना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक स्केल बहुत ही अच्छा रहता है, इसको सभी पोल्ट्री फार्म अपने फार्म पे रखें तो इससे अपने बर्ड का वो वेट निकाल लेंगे। वेट सही निकल आता है तभी सही से FCR भी निकलता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने फार्म पे एक इलेक्ट्रॉनिक स्केल भी रखें। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने फार्म में 5 बर्ड को पकड़ के आपको लाइव दिखाता हूँ तौल के कि इनका वेट कितना है। फिर उसी को हम एवरेज वेट मान लेते हैं और उसी एवरेज वेट से हम फिर अपने फार्म में टोटल जितने बर्ड हैं उनका टोटल वजन निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने अपने फार्म के 5 बर्ड पकड़ के इस बोरी में डाले हैं और इसको अब मैं आपको तौल के दिखाता हूँ कि इनका वजन कितना है। दोस्तों, ये 7 किलो 165 ग्राम इनका वजन है, जिसमें से 165 ग्राम के लगभग हम बोरी का वजन मान लेते हैं और 7 किलो 5 बर्ड का वेट 7 किलो है। दोस्तों, मैंने सुगना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जो पोल्ट्री फार्मिंग के क्षेत्र में काम कर रही है कंपनी, उससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और मैं लगभग 9 साल से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ। सुगना के साथ में ही पोल्ट्री फार्मिंग कर रहा हूँ। तो सुगना की तरफ से प्रत्येक फार्मर को उस जिस लाट में बर्ड पड़े होते हैं हर लाट में इस तरह की एक बुक मिलती है और इस बुक में पूरा हिसाब किताब सब पूरा लिखा रहता है। तो मैं आपको दिखाऊं कि मेरे फार्म में 6975 चिक्स आए थे और इनमें से अभी तक आज 27वां दिन है 177 मोर्टिलिटी हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फिर अब हमारे फार्म में कितने चिक्स इस समय हैं। 6975 चिक्स आए थे और 177 मोर्टिलिटी हुई है। तो 6798 चिक्स हैं और इनका जो हमने वजन निकाला है 7 केजी है 5 बर्ड का, तो 1.4 केजी है एक बर्ड का एवरेज वेट 1.4 केजी है। इस तरह से हम इनका टोटल वेट निकाल लेते हैं। छः हजार 798 बर्ड इस समय हैं हमारे फार्म में, जिंदा हैं और इनका एवरेज वेट है 1.4 केजी। तो इस तरह से 9517.2 केजी टोटल बर्ड का वेट आया हमारे फार्म में। और अब हम फीड भी देख लें कि हमारे फार्म में फीड कितना आया है, कब कब कितना आया है। तो दोस्तों, ये देखिए,
पहले 50 बैग फीड आया है, उसमें से एक बैग फीड ट्रांसफर होकर दूसरे फार्म पे गया है, फिर 42 बैग फीड आया है, फिर 30 बैग आया है, फिर 50 बैग आया है, फिर 40 बैग, फिर 70 बैग। तो इस तरह से हम इनको जोड़ते हैं तो 50 बैग माइनस एक बैग ट्रांसफ़र हुआ है, फिर प्लस 42 बैग, प्लस 30 बैग, प्लस 50, प्लस 40, प्लस 70। इस तरह से हम फीड देखते हैं कि हमारे पास में 281 बैग फीड आया है, और 281 बैग जो फीड आया है इसमें से हमारे पास में फीड बचा कितना है वो मैं आपको दिखा दूं कि अभी हमारे पास में फीड बचा हुआ है। तो हमारे पास में दो सेट हैं, एक सेट पर ये है 7, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 बैग फीड इस फार्म इस सेट में बचा हुआ है, 27 बैग। और दूसरे वाले सेट में आपको दिखाता हूँ कितना बैग है फीड, इस फार्म में है 7, 14, 21, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 281 बैग फीड ये है, और इसमें से जो बचा हुआ फीड है एक एक फार्म में हमारे 32 बैग बचा है, एक में 27। इस तरह से अभी तक जितना फीड 32 प्लस 27 यानी 59 बैग फीड अभी हमारे पास में बचा हुआ है। और अभी तक जो बर्ड ने फीड खाया है 222 बैग फीड खाया है, और सुगना अपने अपना जो फीड देती है वो 60 केजी का बैग होता है, तो इसको हम 60 केजी से गुणा कर देंगे। इस तरह से निकल आएगा कि अभी तक बर्ड ने कितना केजी फीड कंजप्शन किया है। तो ये हुआ 13,320 केजी। दोस्तों एफसीआर निकालने के लिए बर्ड का वजन भी हम केजी में निकालते हैं, किलोग्राम में, और जो फीड बर्ड ने अभी तक खाया है उसको भी हम किलोग्राम में निकालते हैं। और एफसीआर निकालने के लिए जितना फीड अभी तक बर्ड ने खाया है उसको हम पहले लिखते हैं, और उसको बर्ड के टोटल वजन से यानी जितने बर्ड बचे हैं उनका जो एवरेज वेट है उसको हम फिर जब टोटल सभी बर्ड का निकाल लेते हैं कि सभी बर्ड का वेट कितना होगा तो उससे हम भाग दे देते हैं। इस तरह से आप देखिए कि अभी एकदम करेक्ट एफसीआर हमारे फार्म में जो भी होगा वो निकल आएगा। एफसीआर है 1.39। और अब आपको दिखाऊं 27वें दिन अगर बर्ड का एफसीआर 1.49 आना चाहिए था और हमारा आया है 1.39 यहाँ पे आया दोस्तों, तो यानी 5 दिन का और एडवांस और अच्छा एफसीआर हमारे फार्म में आया है। इसको जितना भी कम एफसीआर आएगा उतना ही अच्छा एफसीआर माना जाएगा। तो दोस्तों हमारे फार्म में बर्ड का वजन आज के दिन 1232 ग्राम होना चाहिए लेकिन बर्ड का वजन है 1400 ग्राम, इसलिए एफसीआर घट गया है। एफसीआर जितना ही कम आता है उतना ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों ये आज मैंने आपको दिखाया कि आपके फार्म में जो बर्ड हैं उन्होंने अभी तक जितना फीड खाया है, जितना वजन है, ये सब पूरा सिस्टम दिखाया और किस तरह से एफसीआर निकाला जाता है। दोस्तों जितना कम एफसीआर आएगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट माना जाएगा, तो हमारा एफसीआर कम आया है इसलिए हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप अपने फार्म में एफसीआर निकाल के देखिए कि आपके फार्म में कितना एफसीआर है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए और सभी टॉपिक्स पर भी वीडियो बनाता रहूँगा। सभी व्यूअर्स का धन्यवाद।